जी जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शी वॉज 20 ईयर ओल्ड। अगर 2018 में वो कोई इंटरव्यू दे रही है जहाँ पर वो कह रही है कि शी इज़ फाइटिंग डिप्रेशन एंड शी इज़ नॉट मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग, तो उससे उसकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। शी वॉज द अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली, तो एक प्रेशर होता है कि आप यू नो अपना काम कंटिन्यूसली करते जाओ, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े लोग ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि वो कैसे कोप अप कर रहे हैं वर्क स्ट्रेस के साथ, बिकॉज टेलीविजन वर्क इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। मैंने भी लाइफ में एक दो सीरियल किए हैं एंड हम लोग जोर ज़बरदस्ती से बोलते थे कि हम 12 घंटे हो गए हम घर जा रहे हैं, बट न्यू कमर्स आई थिंक दे वर्क 15 आवर्स एंड इफ दे आर लीड इन द शो देन आई थिंक उनके साथ टाइम फ्रेम होता नहीं है। तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मेंटेन फॉर टीवी एक्टर्स एंड आई फील दैट इज़ रॉन्ग। साथ साथ में मुझे नहीं पता कौन सा दूसरा एंगल है, मगर जो भी एंगल है लेट द पुलिस एंड द प्रॉपर एजेंसीज डू द इन्वेस्टिगेशन। भैया मैं बच्चों कहना चाहूँगा, ये प्यार मोहब्बत से दूर रहो, अपना करियर बनाओ, फोकस करो। ये फालतू की चीज़ें कह रहे हैं कि भैया 20 साल की एज क्या होती है, और माता पिता की ड्यूटी की उनको मॉरल वैल्यूज दो जी, वैल्यूज दो, ये कुछ नहीं है। जो आजकल की जो पढ़ाई है ना, वो हमें लिविंग तो दे रही है रोजी रोटी, मगर लाइफ नहीं दे रही है। बिल्कुल, तो उसके लिए वैल्यूज पे वो करो, फोकस करो, करियर बनाओ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा हेलो मैम, हेलो सर, कैसे सर? हेलो, कैसे सर? थोड़ा इधर आए, हल्का और धूप पड़ रही ना सर। कहाँ जा रहे हैं आज आप? हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और सर आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट बताइए ना कुछ आने वाले। अभी आने वाले बड़ी चीज कर रहे हैं, मैं एक शो लेके आ रहा हूँ, बड़ा करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जस्ट गोइंग फॉर न्यू ईयर एंड विश करती हूँ कि 2023 सारी दुनिया के लिए अच्छा हो एंड वी डोंट फॉल विक्टिम टू कोविड अगेन एंड वी आर हेल्दी एंड वी आर हैप्पी विद आवर फैमिली एंड आवर फ्रेंड्स। और न्यू ईयर में अपना रेजोल्यूशन ये होना चाहिए आप सब जाके, भैया हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हर रोज अपने आपके दोस्त बनेंगे वो डॉक्टर। बिल्कुल, आपको स्टार इन्वेस्टर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी जी, मैं भी स्टार इन्वेस्टर के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आम इंसान के साथ जुड़ सकता है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। सर मैम कुछ अपना प्रोजेक्ट कुछ नए कुछ आ रहे हो उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मैं आजकल देखो मैं तो बहुत आराम से काम करती हूँ, आपको पता है मैंने 4 साल के बाद एक रियलिटी शो किया जो कंगना होस्ट कर रही थी, तो अभी मैं इंटरेस्ट दिखा रही हूँ यू नो इंडस्ट्री के अंदर फिर से काम करने का, मगर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी। तो दिस इज़ क्योंकि मैं कल तो इंडस्ट्री में आई नहीं हूँ, 10-15 साल से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है। बट एक बात तो सही है कि लाइफ में आप ग्रो करते हो जब भी आप एक रियलिटी शो करते हो, क्योंकि आप लोगों से कट के खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आई थिंक उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी जो करूँगी वो कुछ सेंसिबल होंगे, ऐसे ही करने के लिए नहीं होंगे क्योंकि प्रेशर है मीडिया से, लोगों से कि बताओ नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, उस हिसाब से मैं नहीं चलती हूँ। थैंक यू। तो आप बता देना पाटिल, पाटिल आते ना।